नमस्ते बच्चों, मैं जेवीएन डॉक्टर निरुपमा हर्षवर्धन, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मेथोडोलॉजी, ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय जयपुर से। बच्चों, मैं आप लोगों को अभी तक मीरा के पद पढ़ा रही हूँ। पिछले वीडियो में भी आपको मैंने मीरा के पद पढ़ाए और उनका एक अन्य पद आज हम पढ़ेंगे। मीरा का पद इस प्रकार है, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, मैं तो मेरे नारायण की आप ही हो गई दासी रे, मैं तो मेरे नारायण की आप ही हो गई दासी रे, लोग कहें मीरा भई बावरी, लोग कहें मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुल नासी रे, न्यात कहे कुल नासी रे, विष का प्याला राणा जी भेजा, विष का प्याला राणा जी भेजा, पीबत मीरा हाँसी रे, पीबत मीरा हाँसी रे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नाहर, सहज मिले अविनाशी रे, सहज मिले अविनाशी रे। इस पद में मीरा अपने आराध्य कृष्ण की भक्ति में लीन है और वो कहती हैं कि मैं तो उनकी भक्ति में इस कदर मग्न हो गई हूँ कि मुझे अब किसी की परवाह नहीं है, और वो उनके पद को गाती और भक्ति में लीन होकर घुंघरू बांध के नाचती हैं। इसी का वर्णन यहाँ किया गया है। मीरा अपने पैरों में घुंघरू बांध कर नाचती हैं। उन्हें अब कोई चिंता नहीं है कि मैं राजकुल की उस राजसी परिवार से हूँ और वहाँ की बहू हूँ, राजकुल की बहू हूँ, लेकिन उसने अब कोई चिंता नहीं है क्योंकि वो तो बस कृष्ण के रंग में रंग गई हैं और कृष्ण की भक्ति में ही वो अब नाचती गाती हैं, उन्हीं के स्मरण करती हैं और मग्न रहती हैं। तो मीरा अपने पैरों में घुंघरू बांध कर नाचती हैं। वो तो प्रभु कृष्ण की दासी हो गई हैं। वो कहती हैं, मैं तो भाई कृष्ण की दासी हूँ, अब मेरे को कोई चिंता नहीं है, कोई भी कुछ बोले। रिश्तेदार उन्हें कुलनाशी कहते हैं कि कुल का नाश करने वाली है ये, तो हमारे घर में ऐसी आई है, तो रिश्तेदार जो हैं उसको कुलनाशी कहते हैं। और लेकिन मीरा तो पग में घुंघरू बांध के खूब नाचती और भजन गाती रहती है। उनके पति राणा ने उनके लिए विष का प्याला भेजा कि किसी तरह से तो इससे पीछा छूटे, तो उनको मारने के लिए उनके पति राणा ने उनके लिए विष का प्याला भेजा और उसे भी वो हंसते हुए पी गई, उन्हें भी उस प्याले को भी वो हंसते हुए पी गई। अब उन्हें किसी बात का भय नहीं है, अब उन्हें किसी बात का भय नहीं है क्योंकि वो जानती हैं कि विष का प्याला भी अमृत में बदल गया और वो अभी तक जीवित हैं। आराम से हंसते हुए पी गई और उनके प्रभु की कृपा ने उस विष को भी अमृत में बदल दिया। तो कहती हैं कि उन्हें अब किसी भी बात का भय नहीं है, उनका बाल भी बांका नहीं हो सकता, वो तो बस अब प्रभु की भक्ति में लीन है। वो कहती हैं कि मेरे तो प्रभु अविनाशी हैं, मेरे प्रभु अविनाशी हैं और उन्हें मुझे सहज में ही प्राप्त हो गए हैं, इसलिए अब मुझे किसका भय और किसकी चिंता, मैं तो अब आराम से उनकी भक्ति में लीन रहकर और नाचती गाती रहूँगी। तो बच्चों, इस प्रकार से इन्होंने मीरा ने अपने कृष्ण की भक्ति का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है और बहुत खूबसूरत उन्होंने इसकी व्यंजना की है कि किस तरह से वो पग में घुंघरू बांध के मीरा नाचती हैं और उनको किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, और क्योंकि वो तो जब वो खुद स्वयं नारायण की, उस भगवान की, उस ईश्वर की, सर्वशक्तिमान की दासी हैं, तो उन्हें अब क्या चिंता, उनकी कृपा उन पर मिल गई है, उनकी पूरी तरह से कृपा पात्र हो गई है, तो अब मुझे कोई डर नहीं है, मेरी रक्षा करने वाले तो वो बैठे हैं, मैं तो उनके भक्ति में मगन होके घुंघरू बांध के और नाचते फिरूंगी। तो ये जो पद है मीरा का, इसमें बहुत सुंदर व्यंजना है ईश्वर की भक्ति की।
तो बच्चों ये सेशन ज्योति विद्यापीठ के डिजिटल वर्जन 2.0 से हो रहा था और मुझे विश्वास है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। फिर भी यदि आपकी कोई जिज्ञासा है, आपका कोई प्रश्न है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकती हैं, मैं आपको इसका उत्तर दूंगी और आपकी जिज्ञासा को दूर करूंगी। आज बस इतना ही, शेष अगले वीडियो में और मैं पढ़ाऊंगी। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।